आज हम आपको ऐसे शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कई हजार वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना वेदों से भी पहले हुई है। यह शिव का मंदिर बेहद रहस्यमयी है। आज हम इस शिव मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल में स्थित ये मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। इसकी प्राचीनता को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल चार चेहरों वाला लिंग है। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के आराध्य देवता रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणिक इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगहों पर उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुपरेश ने 3rd सदी ईसा पूर्व में करवाया था। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में माला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ राजनीतिक बदलाव के कारण दक्षिण के इन ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। नेपाली लोगों को पूजा का अधिकार सौंप दिया गया। यह मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में 1 मुख और 1 मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिर और स्मारक सम्मिलित हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निंद्रा में बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है इस दौरान उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरी कथा चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था। वहाँ गाय ने शिवलिंग का अपने दूध से अभिषेक किया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।